एक चीज मैंने आपको इससे पहले बताई थी कि लीडर के पास क्या होना जरूरी नहीं है लीडरशिप रोल्स अगर आप बात करें तो आप वो रोल्स एक से ज्यादा लोग अच्छा लीडरशिप की भी डोमेन्स अगर तो आपकी लीडरशिप या आपका प्रोफेशन आपकी फील्ड ऐसी है जिसमें कोई पब्लिक उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पांच साल किसी के अंडर काम करें और फिर जाके आप अपना ऑन बिजनेस स्टार्ट करने की बात करें सेल्फ लीड का मतलब ये कि सबसे पहले तो अपने आप को लीड करें ना अपने आप को गाइड करें अपने आप को डायरेक्शन दें कि आपने किस तरह वालेकुम uh, जैसे आप सब जानते हैं मेरा नाम अफाफ मंजूर है ठीक है और uh, आपके साथ इस ये जो हमारा मॉड्यूल था टू बी बिकम अ गुड प्रोफेशनल आई थिंक वी आर गोइंग टू होल्ड द लास्ट लेक्चर फॉर दिस सीरीज तो मैंने ये सोचा कि आज uh, ऐसे टॉपिक का इंतब किया जाए जो कि इस सेशन uh, के क्लोजिंग के साथ आपको फ्यूचर की भी थोड़ी सी डायरेक्शन दे सो वट द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज करियर सक्सेस एंड लीडिंग योर प्रोफेशन अब uh, ये जो टॉपिक है ये मेरे ख्याल में दिस शुड बी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर एवरी वन और लाइक एवरी ऑफ दैट स्टूडेंट जो कि अपने लास्ट सेमेस्टर में है अपने फाइनल प्रोसीडिंग्स की तरफ है टू कंप्लीट द डिग्री और ये डिसाइड करना कि अब उसने फील्ड में जा क्या काम करना है और कैसे करना है अब अगर जो हमारा टॉपिक है इसमें आप अगर देखें तो दो की वर्ड्स हैं बेसिकली वन इज़ सक्सेस एंड वन इज़ लीडिंग द प्रोफेशन राइट अब ये दोनों चीज़ें जिसको हम एक को कहते हैं सक्सेस और एक को कहते हैं हेयर इज़ द सक्सेस और एक लव्स में यहां लिख रही हूं लीड और लीडिंग डू यू थिंक के इनके अंदर कोई कोई रिलेशनशिप है सक्सेस में और लीड करने में कोई रिलेशनशिप है तो uh, तो देखिए मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ ताकि हम जब इस पे डिस्कशन करें या हम मैं चाहती हूँ कि ये जो आज की डिस्कशन है इंटरेक्टिव रहे राइट मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो हम आज सक्सेस की बात करने जा रहे हैं या हम लीडिंग की बात करने जा रहे हैं दिस इज अबाउट आर प्रोफेशनल स्किल्स और प्रोफेशनल एटीट्यूड ठीक है यानी इसके सराउंड रहते हुए हमने लीडरशिप की या लीडिंग की या सक्सेस की बात करनी है तो जब हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो प्रोफेशन में एक एक सक्सेस अचीव करने में और प्रोफेशन को लीड करने में डू वी फाइंड एनी रिलेशनशिप क्या हम लीड करके सक्सेसफुल हो सकते हैं yes. और क्या सक्सेसफुल होते हुए हम किसी लीडिंग पोजिशन पे होते हैं इट्स क्वाइट रिलेटेबल ठीक है यानी ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा रिलेटेबल हैं। यानी अगर हम इसको अलहदा करना चाहें तो हम नहीं कर सकते सक्सेस लीड्स टू लीडरशिप एंड लीडिंग अपोजिशन इज अ सक्सेस और इज अ सक्सेसफुल करियर यू अचीव्ड राइट right? लेकिन अब हमने इसकी डिमेंशन को या डोमेन्स को समझना है कि जब हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं और प्रोफेशन के अंदर रहते हुए लीड लीड करने की बात कर रहे हैं तो देर इज़ डिफरेंस एक और अगेन डिफरेंस जो हम क्रिएट uh, करते हैं या हम अंडरस्टैंड करते हैं वो एक मेजर डिफरेंस है इसकी तरफ भी मैं आऊँगी दैट इज़ अबाउट लीडरशिप जिसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं ठीक है लेकिन अब इस लीडरशिप में और लीड करने में क्या डिफरेंस है ये भी हमारा आज का जो है वो मेजर ऑब्जेक्टिव है सो जस्ट टू कम क्विक कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि आज हम आ, क्या करने जा रहे हैं उसमें हमारे तीन बेसिक पर्पज हैं एक तो हमने इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि जब हम ये प्रोफेशन को लीड करने की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है इन जनरली तो हमारा परस्पेक्टिव लीडरशिप की हम बात करें तो वो एक और तरह से कॉन्सेप्ट हमारे जेन में आता है ठीक है कि लीडर क्या होता है लीडर की कैसी क्वालिटीज़ होती हैं लीडर होने के लिए आपके पास क्या पोजीशन होनी चाहिए लीडर होने के लिए आपके पास क्या पाथ में होना चाहिए आपके पास कितने फॉलोर्स होने चाहिए सॉरी ठीक है लीडरशिप के लेवल्स क्या होने चाहिए ये एक बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन है ठीक है लेकिन आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं हम वो बात करने जा रहे हैं कि जो आपका प्रोफेशन होता है एज ए प्रोफेशनल आप अपने प्रोफेशन में कैसे लीड कर सकते हैं राइट right? अल्टीमेटली जाहिर है जब आप प्रोफेशनल में लीड कर रहे हैं तो आप अपने आप को लीडर कहते हैं लेकिन लीडरशिप होने में लीडर होने में और प्रोफेशनल प्रोफेशनली लीड करने में थोड़ा सा डिफरेंस है ओके okay. और और हम करेंगे ये कि हम थोड़ा सा जब आफ्टर डिस्कशन वी विल बी एबल टू क्रिएट आर ओन पाथ टूवर्ड्स लीडिंग द प्रोफेशन हम थोड़ा सा एनालिसिस करने के काबिल हो जाएं हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएं कि जो प्रोफेशन हम चूज़ किया है हमने या जिस प्रोफेशनल करियर को हम लेके जा रहे हैं आगे हम उसमें किस तरह से लीड कर सकते हैं राइट एंड द लास्ट वन कि जो ट्वेंटी सेंचुरी है जाहिर है हम इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं हमने बहुत सारी चीज़ें इस पर बात भी करते हैं हम सीखते भी हैं और ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की डिमांड्स भी डिफरेंट है तो जो ट्वेंटी फ़र्स्ट सेंचुरी का जो लीडर है या ट्वेंटी फ़र्स्ट सेंचुरी में आ, आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लीड करना है वो क्या है उसकी क्या स्किल्स होनी चाहिए आपके पास राइट सो कोर्स अगर मैं आ, आपके सामने हूँ और मैं अपनी बात करूँ तो आई कैन क्लेम माई सेल्फ दैट आई एम लीडिंग माई प्रोफेशन एंड दे दे आर द रीजन्स राइट अब ये जो मैं आपको क्लेम कर रही हूँ ये आपने मुझे रिकॉल भी कराना है एट द एंड जब हम ये साइड डिस्कशन कर लेंगे तो फिर हम इसको कंक्लूड भी करेंगे कि जब मैं ये क्लेम करती हूँ कि आई एम लीडिंग माई प्रोफेशन तो इस स्टेटमेंट को मैं कैसे जस्टिफाई करती हूँ राइट right? हम ये सारा जो डिस्कोर्स है जिसके अंदर हम ये सारी डिस्कशंस करेंगे कि आपने सक्सेसफुल कैसे होना है करियर में लीडिंग का रोल क्या है प्रोफेशन को लीड करना क्या होता है एंड व्हेन आई और एनी वन एल्स एट माय पोजीशन और एट माय लेवल क्लेम्स दैट आई एम लीडिंग माय प्रोफेशन तो उसका क्या मतलब है राइट सो यू नो ऑल अबाउट मी दैट इट्स बीन लाइक अराउंड ट्वेंटी ईयर्स ऑफ़ माई सेल्फ के मैं इस फील्ड में हूँ और उस फील्ड के सारे जो अप्स एंड डाउन्स हैं उस फील्ड्स के जो सारे प्लस एंड नेगेटिव्स हैं उस फील्ड के जो सारे एक्सपोजर्स हैं एक्सपीरियंसिस हैं, हैं वो लेते हुए मैं यहाँ तक कैसे पहुँची और टूडे आई कैन रिलेट माई ऑल एक्सपीरियंसिस टू ए सक्सेसफुल करियर राइट सो जस्ट टू थिंक अबाउट योर सेल्स एंड टू अंगेज अगर हम ये बात करें कि अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ जो हमने दो लफ्ज़ लिखे हमने उसका थोड़ी सी बात भी की कि सक्सेस क्या है और लीडिंग क्या है और लीडरशिप है तो लीडर एक बड़ा कॉमन सा लफ्ज़ है ठीक है लेकिन आपने थोड़ा सा जहन में यह रखना है कि आप बात करें अपने प्रोफेशनल लीडरशिप की राइट अदरवाइज तो हम लीडर एक जैसे हम कहते हैं कि एक कॉमन Uh, एक नाउन uh, है और वो नाउन यानी लीडर कैन बी इन एनी फील्ड राइट बट व्हेन यू थिंक अबाउट योरसेल्फ और अबाउट योर फील्ड्स आपके ज़िन्न में क्या आता है कि लीडर क्या होता है क्विक थिंग्स वर्क से ये शो कर सके। एक लफ्ज़ में बताएं कि मतलब आप कैसे क्या सोचते हैं कि लीडर क्या होता है मेंटोर अगर हम इसको थोड़ा सा तरतीब कर लें ठीक तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से चल लेंगे क्योंकि ओके तो आपने बताया कि लीडर इज ए मेंटोर राइट कोई और ऐड करेगा हम्म गाइडर, इन्फ्लुएंसर रिफॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव ओके चलें इसी लिस्ट से हम स्टार्ट करते हैं ना माई क्वेश्चन इज दिस अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप लोग अपने इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोफेशन आप लीडर्स हैं या अपने आप को आप लीडर्स के रोल में देखते हैं या आप एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड यू यू डेफिनेटली वांट टू बी अ लीडर इन योर प्रोफेशन तो क्या आप के अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं कोई एक दो yes. सोच के बताना है जरा मुझे बिकॉज वेन यू आर टॉकिंग अबाउट मेंटोर आर यू इन ए पोजिशन कि आप किसी को मैंटोर कर सकें आर यू इन ए पोजिशन कि आप किसी को गाइड कर सकें आर इन यू पोजिशन कि आप किसी पे इन्फ्लुएंस कर सकें yes. आप किसी को बताएं कि मैंने ये ये अचीव किया है ब्रॉडर स्पेक्ट में देखें ठीक yes, yes, yes. है आप क्या रिफॉर्मर हो सकते हैं आप yes. क्या रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं कितनी हद हाँ तक चलें, अगर मैं आपसे कहूं आप रेट करें इन सारी चीजों को तो आप हंड्रेड में से कितने नंबर देंगे अपने आप को रेट ट्वेंटी राइट एनी वन एल्स दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू जो हमारे जहन में एक इमेज डिवेलप होता है लीडर का या अपनी फील्ड को लीड करने का वो ये सारी क्वालिटीज़ आती हैं एक्चुअली द स्टेट इज़ नॉट लाइक दिस सिचुएशन असल में ये नहीं है ये वो सिचुएशन है जो हमें वो आइसबर्ग की तरह ऊपर नज़र आती है ना वो वाली है देखें जो लीडर होना है ना ये लीड करना है उसकी स्टेजि हैं दैट्स ए प्रोसेस ये आपने कॉमन स्टेटमेंट सुनी होगी कि जो लीडरशिप है दैट इज अ प्रोसेस ठीक है मतलब आप अगर आप ये बात कहें साइमन एक बड़ा एक्सपर्ट लीडर uh, है और वो लीडरशिप पे बहुत ज्यादा बात करते हैं और वो ये कहता है कि लीडरशिप इज अ प्रोसेस इट मीन्स कि इट डजेंट हैपन्स इन अ डे ये एक दिन में नहीं होता ये एक एक्शन uh, है अगर लीडर की हम बात करते हैं तो लीडर क्या है लीडर इज अ नाउन ठीक है कोई भी हो सकता है लेकिन जो लीडरशिप होती है या हैविंग अ लीडरशिप क्वालिटीज़ या बिकमिंग अ लीडर इट्स अ प्रोसेस इट्स एन एक्शन इट्स अ वर्ब जो कि आपको टाइम के साथ अचीव करनी होती है इट्स सिमिलर लाइक दैट जैसे हम बहुत सारी चीज़ें क्लेम करते हैं मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ कि आप ये कहते हैं किसी से किसी से क्लेम करना कि मुझे आपसे मोहब्बत है ठीक है ये मोहब्बत पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है बच्चों के साथ भी हो सकती है किसी भी फ्रेंड के साथ एनी एनी वन एल्स अब वो जो मोहब्बत है वो क्लेम करना कि मोहब्बत है वो एक लफ्ज़ है लेकिन टाइम डिटर्मिन करता है वो सारा प्रोसेस डिटरमिन करता है जब आप उसकी केयर करते हैं जब आप उसको लुक आफ्टर करते हैं जब आप उसको टाइम देते हैं जब आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्ट इन एनी काइंड आप टाइम की सूरत में इन्वेस्ट करें आप फाइनेंस की सूरत में इन्वेस्ट करें आप केयर की सूरत में इन्वेस्ट करें सो दैट डिटर्मिन दैट यू लव दैट पर्सन सिमिलरली एक लीडर को ये इस इस स्टेज तक पहुँचने के लिए ये सब क्वालिटीज़ uh, को क्लेम करने के लिए एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है ठीक है तो आज हम जो बातें करने जाएंगे ना ये सीखेंगे उसका मकसद ये है कि आपको वो सारी बातें बताई जाएं जिनसे आपके अंदर ये क्वालिटीज आ सकें ठीक है हमें कौन से ऐसे काम करने हैं हमें कौन सा ऐसा पाथवे लेना है कि हम किसी स्टेज पे जाके हम अपने आप को एक मेंटोर क्लेम कर सकें हम किस स्टेज पर जाके हम कह सकें कि वी आर ए गाइडर वी आर इन्फ्लुएंसर यानी इन्फ्लुएंसर होने का मतलब यह है कि आप कोई बात करें और आपकी उस बात का कोई कुछ लोगों के ऊपर कोई असर बने ना ठीक है यानी यही बात है कि वही बात अगर एक छोटा बच्चा घर में कहता है एग्जाम्पल दे दें ठीक है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती लेकिन अगर अम्मी अबू वो बात करें तो वो बड़ी मीनिंगफुल होती है इसी तरह से एक अगर आम इंसान बात करता है तो उसकी वो वैल्यू नहीं होती लेकिन अगर एक स्कॉलर कहीं वो जुमला लिख देता है तो वो उसकी एक कोटेशन बन जाती है ठीक है तो ये सारी चीजें अचीव करने के लिए आपको कहां तक किस तरह से वो सारे प्रोसेस में गुजरना है वो कौन सी क्वालिटीज आपको अपने अंदर लेके आनी है कि आप एक लीडर बन सकें ठीक है तो सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखें कि जो लीड करना होता है ना उसके लिए आपको यू डोंट नीड पोजिशन आपको क्या नहीं चाहिए इसका क्या मतलब है वेन आई एम दिस दैट यू यू डोंट नीड एनी सेंगे कोई अथॉरिटी ना हो वेरी गुड और चले मैं अगर आपसे ये पूछती हूं कि आप आपको अपॉरचुनिटी मिल रही है किसी आप Uh, किसी भी जगह पर जैसे आप लोग इंटर्नशिप्स करने जा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो आप कैसे समझते हैं कि आप जिस जगह पर हैं वो आपके लिए आप उसमें एक लीडर बन सकते हैं क्या आपके आपको ऐसा चीज़ें क्या मुहैया की जाएँ कि आप लीडर बन जाएंगे हम्म hmm? नहीं आपने अभी जॉब स्टार्ट की है एक्सपीरियंस तो वही बात है ना जैसे मैंने आपसे कहा ये सारी चीज़ें आप रिलेट करेंगे जो मैंने आपसे कहा कि ये जो लीडरशिप होती है ये लीडर बनना होता है इट नीड्स टाइम ठीक है और एक्सपीरियंस डेफिनेटली टाइम के साथ आता है लेकिन यू आर इन द बिगनिंग ऑफ योर प्रोफेशन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लीडिंग योर प्रोफेशन वी वांट यू टू बिकम द लीडर्स ऑफ योर प्रोफेशन और वी वॉन्ट यू टू लुक इन टू दैट स्टेट कि आप जिस भी प्रोफेशन में जा रहे हैं आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं आप जिस भी इदारे में काम कर रहे हैं हम आपको एक लीडिंग स्टेट में देखना चाहते हैं हम एक आपको लीडिंग सिचुएशन में देखना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या जरूरत होगी मतलब क्या आपके साथ आपको ऐसा क्या आपके अंदर हो कि आप लीड कर सकें उस इदारे को पोटेंशियल ट्रस्ट आप में स्किल्स हो होनी चाहिए राइट यस जितना इंडल्ज करेंगे राइट व्हाट एल्स देखिए अब आप आपने ये जो मुझे कुछ चीजें बताई हम इसको भी नोट कर लेते हैं अब आप खुद इसको कंपेयर करेंगे आपने क्या बताया मुझे स्किल्स आपके पास होनी चाहिए हैं स्किल्स राइट वॉट एल्स डिटर्मिनेशन सेल्फ ट्रस्ट फ्लेक्सिबिलिटी अडेप्टेबिलिटी कह लें ठीक है और राइट अब अगर आप जरा इन दोनों चीजों को कंपेयर करें जो आपने पहले बताई थी और जो अब बताई हैं इनमें क्या डिफरेंस है उनमें ज्यादा दिस दीज ऑल आर रिलेटेड टू योर योर सेल्फ्स दीज आर ऑल रिलेटेड टू योर सेल्फ एंड दीज आर रिलेटेड टू अदर्स इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है इट मीन्स लीडर इज एन इंडिविजुअल सबसे पहली बात याद रखें लीडर कोई ग्रुप नहीं है यानी आप कहें कि आपके पीछे कोई बीस पच्चीस लोग आपके साथ अटैच होंगे तो आप कहेंगे कि मैं इनका लीडर हूँ ठीक है जैसे हमारे आम तौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे डि डिवेलप की जाती है मतलब ये किया जाता है कि हाँ इसको इतने बंदे इसके साथ होंगे इतने इसको वोट्स कर देंगे तो वो लीडर बन जाएगा ठीक है मेरे साथ इतने लोग हैं तो मैं ये काम शुरू कर लेता हूँ अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है ठीक है दूसरी चीज़ क्या है कि आपने ये डिटर्मिन कर लिया कि लीडर जो है वो फर्स्ट थिंग इज एन इंडिविजुअल एक चीज़ मैंने आपको इससे पहले बताई थी कि लीडर के पास क्या होना ज़रूरी नहीं है कोई पोजिशन होना ज़रूरी नहीं है राइट यू कैन लीड योर इंस्टीट्यूशन यू कैन लीड योर डिपार्टमेंट यू कैन लीड योर प्रोफेशन यू कैन लीड योर फील्ड फ्रॉम एनी पोजिशन आप किसी भी पोजिशन पर रहते हुए अपनी फील्ड को अपने प्रोफेशन को लीड कर सकते हैं उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई अथॉरिटी हो उसके लिए, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई मैनेजेरियल टास्क हो आप कहेंगे मेरे नीचे चार लोग काम करते हैं तो मैं फिर जो है वो लीड कर सकता हूँ फिर मैं लीडर कर सकता हूँ तो रिमेंबर दैट लीडर इज वन पोजिशन ठीक है यानी लीडर एक इंडिविजुअल है और लीडर के लिए कोई पोजिशन होने की जरूरत नहीं है ठीक है अच्छा अब एक चीज़ और भी याद रखें वैन यू आर इन प्रोफेशन एंड यू आर वर्किंग और यू आर इन एन इंस्टीट्यूशन लीडर अकेला हो सकता है आप लीड अकेले कर सकते हैं बट वन वी आर टॉकिंग अबाउट लीडरशिप लीडरशिप कैन बी डिवाइडेड इन मैनी पीपल लीडरशिप रोल्स अगर आप बात करें लीडरशिप के तो आप वो लीडरशिप रोल्स जो हैं एक से ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं ठीक है वन कैन लीड दिस डिपार्टमेंट वन कैन लीड दिस डिपार्टमेंट वन कैन लीड दिस डिपार्टमेंट बट एक्चुअली क्या है कि जो लीडर है या लीड करना होता है अपनी फील्ड को वो एक इंडिविजुअल ने करना होता है और उसके लिए अब आपको क्या चीजें चाहिए ये वाली चाहिए सो so, ये काम किसका है इसमें किसने किसकी एफर्ट है ये आपकी अपनी एफर्ट है ठीक है कि आप अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप कर सकें या ना कर सकें आप अपने अंदर डिटर्मिनेशन शो कर सकें या ना कर सकें आप सेल्फ ट्रस्ट या सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है या नहीं है और इसी तरह से आपके अंदर अडेप्टबिलिटी है या नहीं है तो इट्स ऑल अबाउट योर ये सब चीज़ें आपके अपने करने की हैं आप अगर खुद के अंदर वो सारी एबिलिटीज़ ले आते हैं अपने आप को इन सारी चीज़ों के साथ इक्विप करते हैं तो गेट द अपॉर्चुनिटीज़ फ़ॉर ऑल दैट अब आपको मैं अगर एग्जाम्पल्स दूँ आपकी साइकोलॉजी की फील्ड की कैन यू नेम एनी टू और थ्री लीडर्स और जिनको आप कहते हैं कि जिन्होंने साइकोलॉजी की फील्ड में जिनका नाम है और काम किया है कैन यू फ्रॉयड एरिक्सन प्याजे ठीक है अब ये सब लोग अगर आप इनकी जिंदगी को देखें जिनके आज नाम हैं और जिनको हम कहते हैं दीज आर द फादर्स और द लीडर्स ऑफ दिस फील्ड ठीक है जिन्होंने मतलब काम किया और हम उनको फॉलो कर रहे हैं उनके काम को अभी तक तो इनके पास कोई पोजीशंस नहीं थी राइट right? लेकिन दे आर लीडिंग देयर फील्ड दे आर लीडिंग देयर प्रोफेशंस सिमिलरली हमारे हाँ यहां यहाँ और कितनी ऐसी एग्जांपल्स हैं अगर आप पब्लिक सेक्टर में देखें प्राइवेट सेक्टर्स में देखें कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ ऐसी पोजीशन नहीं होती है जिनके पास कोई एक हजूम नहीं होता लोगों का लेकिन वो अकेले कुछ ऐसी एबिलिटीज़ के साथ काम करते हैं कि वो लीडिंग पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं राइट right? तो अभी जो लीडिंग पोजिशन की मैंने बात की इट अगेन डजेंट मीन दैट यू नीड टू हैव अ पोजिशन टू बी ए लीडिंग पोजिशन राइट हम लीडिंग पोजीशन का हमारा क्या एक आम ख्याल आता है जब हम अदारों में भी ख़ासतौर पे बात करते हैं और हमारे जो एक एक, 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 एक स्ट्रक्चरल चीज़ें बनी हुई हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है तो उसमें जब हम लीडर्स की बात करते हैं या लीडिंग पोजीशन में बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो एम्प्लॉय बहुत सक्सेसफुल है जिसने स्टेप बाई स्टेप यानी वो कहीं असिस्टेंट भरती हुआ था और उसके बाद वो मैनेजर की पोस्ट पे गया और फिर जो है ना वो चेयरमैन की पोस्ट पे पहुंच गया तो हम समझते हैं कि वो उसने एक लीडिंग पोजीशन ले ली है राइट लेकिन अब इस दुनिया में अब जो ये सारा कॉन्सेप्ट अब चल रहा है डेज आप अगर आप देखें इस टाइम क्या शुरू से ही वो तमाम चीज़ें जिसके लिए हम ये समझते हैं कि किसके पास कोई पोजिशन का होना ज़रूरी है ये जिसने ये सारे स्टेप्स वन बाई वन क्रॉस कर लिए हैं और एक डेजिग्नेटेड पोस्ट जो है वो अचीव कर लिए तो इट मीन्स दैट पर्सन इज़ लीडर नो सो वट आई वॉन्ट टू टेल यू टू इज़ दैट कि आप लोगों के अंदर ये एबिलिटी या एक ये परसेप्शन या एक ये थिंकिंग जनरेट करना कि आपको अपनी फील्ड में कैसे काम करना है कि आपका नाम एज ए इंडिविजुअल जाना और पहचाना जाए ठीक है आप लोगों के सामने एग्जाम्पल्स यहाँ पे जहाँ जिस इदारे में आप लोग बैठे हुए हैं राइट कितने मोटिवेशनल स्पीकरस थे जो काम करते थे ठीक है लेकिन कासिम अली शाह का नाम क्यों राइट यानी अगर आप उनकी सारी वो लाइफ पीछे उसको हिस्ट्री को देखें और उनकी वर्किंग को देखें तो आपके सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं आपको नजर आएगा कि वो क्या क्या चीज़ें थीं क्या काम थे मतलब क्या कासिम अली शाह के पास कोई पोजिशन थी किसी गवर्नमेंट अदारे की किसी प्राइवेट सेक्टर की कोई पोजिशन थी नोट नॉट लाइक दिस मैं अगर आपको अपनी एग्जाम्पल दूँ आई एम वर्किंग इन यूनिवर्सिटी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर दे आर सो मैनी असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन द इन द यूनिवर्सिटीज़ ठीक है बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे बहुत सारे प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज के अंदर काम कर का रहे हैं लेकिन अगर आप इंक्लूजन इन पाकिस्तान पर काम देखना चाहेंगे और इंक्लूजन इन पाकिस्तान लिखेंगे तो वहाँ डॉक्टर आफ़ाफ मंजूर का नाम क्यों आएगा क्योंकि मैंने उस फील्ड के लिए काम की है ठीक है तो अगर इस फील्ड में आपको अपनी जिस भी फील्ड में है, काम करना वहाँ आपको पोजिशन की ज़रूरत नहीं है कितने ही ऐसे लोग होंगे मैं नो no डाउट मैं और मतलब प्रोग्रेस करते करते कल को किसी भी लीडिंग और मतलब पोजीशन पर पहुँच जाऊँ किसी भी ऐसे लेकिन हो सकता है कि मेरा नाम ना जाना जाता ना पहचाना जाता ठीक है सो दिस इज़ द थिंग जो आप अपने अंदर डेवलप करेंगे और आप ये सोचेंगे कि हमें किस पोजीशन के ऊपर किस तरह से काम करना है सो so, एक चीज़ तो हमारे जहन में आज ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें अगर अपनी फील्ड को लीड करना है तो हमें ये नहीं समझना कि हमें कोई पोजीशन लेनी है ठीक है अच्छा और बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ और मिथ्स भी हैं लीडर्स के बारे में हम जब पर्सनैलिटी ट्रेड्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ये भी आता है कि जो एक्स्ट्रा होते हैं दे आर द लीडर्स लीडर होने के लिए एक्स्ट्रोवर्ट होना जरूरी है डू यू एग्री विद दिस यू शुडेंट एग्री विद दिस बिकॉज जो हमें सारी हिस्ट्रीज um, पता चल रही हैं जो हमें देखने में नज़र अच्छी याद नहीं हैं इंट्रोवर्ट कैन बी। ये जितने नाम अभी लिए मैंने सेगमेंट फ्रॉय प्याजे एरिक्सन, ये सब लोग इंट्रोवर्ड्स थे दे आर नॉट एक्स्ट्रोवर्ड्स राइट सो so, ये चीज़ क्लेम करना कि मेरे अंदर ये पर्सनैलिटी ट्रेट मैं क्योंकि एक्स्ट्रोवर्ड नहीं हूँ आई कैन नॉट बिल्ड रिलेशंस राइट अच्छा लीडरशिप की भी डोमेन्स हैं अगर तो आपकी लीडरशिप या आपका प्रोफेशन आपकी फील्ड ऐसी है जिसमें कोई पब्लिक एंगेजमेंट्स हैं या सोशल आपका वर्क है वहाँ तो आप कह सकते हैं कि आप चूँकि जो हैं एक्स्ट्रोवर्थ हैं तो फिर आपके लिए सक्सेस हो सकती है लेकिन देयर अदर सम एग्जाम्पल्स जैसे कि ईदी साहब थे मनट्रोवर्थ ठीक है लेकिन उन्होंने अपनी फील्ड के अंदर कैसे लीड किया और वो आज किस किस्सा से उनका नाम जाना जाता है लेकिन तो वो मैटर करता है ये इट मैटर्स लेकिन समटाइम्स आप किसी भी पोजिशन से किसी भी रोल में लीड कर सकते हैं मेरा आपको समझाने का मकसद ये है फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एन ऑथर आप कॉलम निगा रहे हैं ठीक है आपने कभी किसी से बात नहीं की होगी लोगों का साथ आपका इंट्रैक्शन नहीं होगा लेकिन आपका नाम एक राइटर के तौर पे जाना जाता है आप उस फील्ड को लीड करते हैं येस तो yes, वो ऑब्ज़रवर अच्छा होगा ठीक है मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जो तीन चार हम क्वालिटीज़ काउंट करते हैं ना हर किताब में पढ़ते हैं हर लेक्चर में सुनते हैं मतलब एक कॉमन सी हमारी चीज़ें एक डेवलप हो जाती हैं कि ये ये चीज़ें होंगी हमारे अंदर और हम बहुत सारे स्टेप्स बाज़ू का सिर्फ इसी वजह से नहीं ले पाते कि हम तो ऐसे नहीं हैं ठीक है हम बात हमारे अंदर ये भी आता है कि आपको लीडर होने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्ती पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए ठीक है ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप अपने अंदर हम अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं आपने अपना जो जीनियस है ना अपने अंदर का जीनियस उसको निकालना है आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि आपके अपने अंदर का जीनियस क्या है आपको बात लोगों से करना पसंद नहीं है पसंद मसंद से मुराद ये कि आप बहुत ज़्यादा ओपनली सोशलाइज नहीं करते हैं इट्स ओके लेकिन अगर आप अच्छा लिखते हैं आप अपने लिखने की वजह से लोगों पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी राइटिंग्स के साथ ठीक है आप एग्जांपल लीजिए कि ये जो मूवीज बनती हैं ठीक है अब हीरो hero और हीरोइन नो डाउट वो बड़ा विजिबली नजर आते हैं कि फ़लाँ हीरो है फलां हीरोइन है लेकिन उसके पीछे सारी जो चीज़ें चल रही होती हैं वो भी तो कहीं फील्ड को लीड कर रहे होते हैं वो नजर नहीं आ रहे होते सो इट डजेंट मीन दैट यू नीड सम स्पेसिफिक क्वालिटीज स्पेसिफिक का मतलब कि वो होगी तो आप वो होंगे इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से क्रॉस कीजिए ये जो हमने फिक्सेशंस बनाई भी होती है ना कि हम ये चीज़ हमारे अंदर है तो हम इसको लेके चल सकते हैं और अगर ये नहीं है तो हम नहीं लेके चल सकते ऐसे नहीं होता है उस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना है आपने अच्छा जी अब अगर हम ये बात करें कि हमने कहाँ से शुरू करना है हमने वो कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं क्योंकि आप लोग अब बिल्कुल अपने आ, जो हैं यू आर वेरी क्लोज टू योर कम्प्लीशन ऑफ योर डिग्रीज़ और आ, ये मॉड्यूल्स भी आपका मेरा खाली वाला तो कम्प्लीट हो गया नेक्स्ट यू आर गोइंग टू एंटर योर न्यू मॉड्यूल तो अब आपको सीरियसली यू नीड टू थिंक अबाउट कि आपको कहाँ से स्टार्ट लेना है अपने प्रोफेशनल करियर का और कैसा स्टार्ट लेना है कि आप सक्सेसफुल हों राइट अच्छा इसमें एक चीज़ तो ये याद रखें जो कि इसमें भी सामने आपके लिखी हुई है कि लीडरशिप इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन ठीक है ये तो लीडरशिप की बात है लीडरशिप इज़ ए हॉलिस्टिक कॉन्प्ट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपने एक मुसलसल एक सफ़र है ठीक है आप अगर ये कहें ना कि आपको कहीं आके आपने एक पोजीशन गेन कर ली है और आप कहें or or like ये कहेंगे दिस इज़ माय लेवल ऑफ अचीवमेंट और कंप्लीशन और सक्सेसफुलनेस दिस इज़ नॉट लाइक दैट ठीक है यानी आप एक बेहतरीन डिग्री हासिल कर लें आप एक बेहतरीन नौकरी हासिल कर लें और उसके बाद कहें आप कि ये कंप्लीट हो गया है इट्स नॉट लाइक दैट और जब आप ख़ास तौर पर लीडरशिप की बात करते हैं जिसमें कि आप दूसरे लोगों को साथ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो वो तो आपकी एक मुसलसल जद्दहद है जो कि जारी रहनी है आप कहीं स्टॉप नहीं कर सकते हमारे सामने हमारे कितनी ही मिसालें यानी हमारे हजूर सल वम जो उनकी ज़ा मुबारक थी जो उनकी ज़िंदगी थी वो हमारे सामने सबसे बड़ी जो है वो एक मिसाल है उन्होंने किस तरह से उनके पास नो no डाउट उनके पास जो लीडरशिप का था वो यकीनन एक बड़े पैमाने का यानी वो तो पूरी इंसानियत के लिए उनके पास वो रोल था आप लोगों के पास तो आपने खुद डिटरमिन करना है कि आप कितनी उसके अंदर जाना चाहते हैं राइट तो एक ये मुसलसल एक जिंदगी का सफ़र है जिसको आपको लेके चलना है लेकिन अगर आपको सफ़र के आगाज़ में एक बेहतरीन तरीक़ाकार पता चल जाए तो आपके सफ़र के लिए आसानी हो जाएगी आप उसका आगाज़ अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको जो सारे रस्ते की रुकावटें हैं वो आपके लिए कम होती चली जाएंगी और आप एक अच्छे आगाज़ के साथ बेहतरीन सफ़र की तरफ गामजन हो जाएंगे उसमें क्या है कि आपने करना कौन सी चीज़ों के साथ है देर आर सम थिंग्स फ्यू थिंग्स जो कि आपने करनी है इसमें जो सबसे पहली चीज आपको नजर आ रही है वो क्या है टेक इनिशियेटिव इनिशियेटिव लेने का मतलब क्या है मतलब हम ये सोचते रहते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे पूछूँ कि आप इनिशिएटिव की बात करें कोई कोई इनिशिएटिव आपको लेना है तो आपको क्या हर्डल्स उसमें नजर आती हैं आप क्या दो तीन बातें आपके जहन में आती हैं फौरी तौर पे ना क्या होगा रिजल्ट क्या होगा फेलियर हो फेल। यानी आपको खौफ ठीक है एक डर जो है वो आपके उसके अंदर आ जाता है एंड द आउटकम दो चीज़ें आपने बताई कि आप जब भी कोई इनिशिएटिव लेने की बात करते हैं तो आपके जिन में दो चीज़ें आती हैं कि आपका फोकस एक तो उसके आउटकम पे होता है और एक आपके साथ फियर होता है कि आपका ये आउटकम जो है ये स्टेप लेने का ये क्या होगा ठीक होगा या नहीं होगा कोई और ऐड करना चाहेगा अच्छा जी दूसरी चीज़ क्या है बी योर ओन एवेलुएटर ओन एवेलुएटर होने का मतलब क्या है की करना। क्या करना। सिर्फ गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं जब देखें एक तो बात ये याद जहन में रखें जब भी हम एवेलुएशन या असेसमेंट की बात करते हैं या अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ना अपनी बुराइयों की लिस्ट निकाल के सामने ले आते हैं आप लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं ना दैट इज़ अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी उसमें तो आप हमेशा याद रखें अगर आप सक्सेसफुल करियर की तरफ जाना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना चाहते हैं ये तो आम इंसानों के लिए भी है लेकिन आपके लिए स्पेसिफ़िकली कि आपने आपके सामने कोई आगे क्लाइंट बैठता है तो आपने उसकी क्या करना है उसकी स्ट्रेंथ्स को पहले फोकस करना है वीकनेस को आपने बाद में देखना है यही डिफरेंस है एक डॉक्टर और एक थेरेपिस्ट या एक टीचर के दरमियान में ये मैं आपको बता दूं ठीक है मतलब मेडिकल जो हम ट्रीटमेंट करते हैं जिसको आप क्लिनिकल मॉडल कहते हैं क्लिनिकल मॉडल इस पे काम करता है कि डेफिशिएंसीज़ क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, डायग्नोसिस किस किस चीज का करना है जो आपका सोशल मॉडल है या जिसको आप ह्यूमन राइट बेस्ड मॉडल कहते हैं उसका फोकस किस चीज पे है उसका फोकस है स्ट्रेंथ्स के ऊपर तो आप जाहिर सी बात है जब आपका फोकस जिस चीज पे होगा आप काम उस पर करेंगे तो ये मेडिकल साइंसेस वालों का काम है वीकनेसेस को करना उनको उनका काम करना आपका काम ये कि आपने स्ट्रेंथ्स पे देना सिमिलरली जब आप अपने लिए कोई वैल्यूएशन रखें तो आपने सबसे पहले क्या करना है तो वेन यू आर फीलिंग वेल टू स्टार्ट with योर ओन असेसमेंट्स जब आप मतलब आपको लगे आज कल परसों बैठें किसी टाइम ठीक है और इट्स नॉट मोर अबाउट हाफ़ एन आवर उससे ज़्यादा का काम नहीं है लेकिन उस हाफ एन आवर ये मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ ये हाफ एन आवर से ज़्यादा काम नहीं है उससे ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए वरना आप कहीं और ही हो जाएंगे ठीक है आधा घंटा आपने निकालना है लेकिन दैट शुड बी वेरी फोकस्ड वेरी फोकस्ड का मतलब ये है कि ट्राई टू बी ए साइलेंट प्लेस विदाउट एनी इंटरप्शन यानी आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो इंटरप्ट करने वाला ना हो और आपने वो आधा घंटा निकालना है एक पेपर लेना है एक पेंसिल लेनी है एंड स्टार्ट विथ योर स्ट्रेंथ्स जो कि इसका लास्ट पॉइंट भी आपको नजर आ रहा है अंडरस्टैंड योर जोन ऑफ जीनियस ठीक है आपने कोई सी चार अपनी स्ट्रेंथ्स लिखनी है और वो आपने लिखनी है अपने प्रोफेशन के हिसाब से अब अपने प्रोफेशन के हिसाब से जब आप चार स्ट्रेंथ्स निकालेंगे तो उसमें फिर सेकंड स्टेज में आपने ये करना है कि मार्क वन टू थ्री यानी फिर आप मजीद उसको थोड़ा सोचने की कोशिश करें कि मैं सबसे नंबर एक पे मेरे में कौन सी स्ट्रेंथ है क्या मैं अच्छा टीचर बन सकता हूँ क्या मैं अच्छा रिसर्चर बन सकता हूँ क्या मैं अच्छा थेरेपिस्ट बन सकता हूँ क्या मैं अच्छा कॉन्टैक्ट राइटर बन सकता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ राइट right? अब इन चारों में से हर एक का डिफरेंट होगा किसी का सिमिलर भी हो सकता है अब आपने उस पर काम करना शुरू कर देना उस डोमेन में आपने अपने लिए जॉब भी ढूंढनी है उस डोमेन में आपने अपने लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है ठीक है अब मैं जब यह जॉब ढूंढने की बात करें तो इट डजेंट ओनली मीन कि आप वो सी वी उठाएं और दफ्तर दफ्तर के चक्कर लगाएं अब तो आपके लिए वर्क करने के लिए या जॉब करने के लिए दे आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स राइट ऑनलाइन आपके पास इतने प्लेटफॉर्म्स पड़े हुए आप खुद से जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं अब जब एक तरफ आपने अपनी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स लिख ली राइट right? एक तरफ आपने अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स अदर देन योर प्रोफेशन लिखनी है जिसमें कि आपकी बहुत सारी स्किल्स आती हैं जैसे कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या हैं आर यू गुड इन योर कम्युनिकेशन और नॉट डू यू फील वेल योर सेल्फ टू टू बी अजनस माइंडेड एंटरप्रन्योर अगर आप उसकी तरफ जा रहे हैं तो आप अभी से इनिशिएटिव ले लीजिए उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पांच साल किसी के अंडर काम करें और फिर जाके आप अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करने की बात करें अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो एबिलिटीज हैं तो जस्ट गो फॉर दैट टेक द इनिशिएटिव ठीक है लेकिन अगेन वही कि आपने उसको प्लान अकॉर्डिंगली करना है ओके देन बी रेडी टू लर्न एंटिसिपेट नीड्स ये वो बात है जिसे मैं कह रही थी कि आपने उसको प्लान अकॉर्डिंगली करना है नीड्स को एंटिसप्रेट करना अच्छा नीड्स जो हैं दो हैं वही दो कॉलम्स जो आपने बनाए हुए हैं एक आपका प्रोफेशन का कॉलम है एक आपका पर्सनल स्ट्रेंथ्स का कॉलम अच्छा अब जो प्रोफेशन है उसकी नीड्स क्या हैं आपने वहाँ पे देखना है कि क्या गैप कहाँ पे है उस प्रोफेशन में कौन सा ऐसा एरिया है जिसकी ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में और उस पर काम नहीं हुआ हुआ और उस पर काम करने की ज़रूरत है आप लोगों की जो फील्ड है उसमें बहुत सारे गैप्स हैं अब उसमें एक बड़ा गैप जो है इस टाइम में अगर आपको बताऊं कि तो वो पेरेंट्स ट्रेनिंग का है फैमिली सपोर्ट का है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबलीशन का है कम्युनिटी इंगेजमेंट का है ये ऐसे एरियाज हैं जिनको मतलब अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करके काम करते हैं तो इसमें आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप बहुत जल्दी इसमें जो है ना लीडिंग पोजिशन ले लें क्योंकि हमने लीड करना है जो भी हम काम करना चाहते हैं हमने उसमें लीड करना है राइट right? और लीड करते हुए हमने फिर यह नहीं सोचना कि हमने Uh, कोई पोजीशन लेके काम करना है जैसे मैंने सारी आपको पहले बातें की तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये थोड़े चार पाँच सात जो मैंने ये लिस्ट की हैं चीज़ें ये तो हैं ही हैं अगर आपको इसमें और भी लगता है आप उसमें ऐड कर सकते हैं राइट right? uh, इसी तरह से uh, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली अच्छा एक पॉइंट है शो डोंट टेल अच्छा एक हमारे यहाँ आजकल जो यंग बच्चे हैं ना उनमें एक uh, बहुत ज़्यादा वो आता है कि फ़ौर से हम शेयर करना शुरू कर देते हैं ना जिसको आप कहते हैं शिखियाँ मारना शुरू कर देते हैं ठीक है देखिए जितने भी कामयाब लोग हैं ना उन्होंने खामोशी से काम किया है खामोशी से मेहनत की है ठीक है थीके? कुछ तो ऐसी स्ट्रेटजीज भी हैं कुछ लोग कहते हैं वो कहते हैं इस तरह के भी वो स्ट्रेटजीज डिफ़ाइन करते हैं कि आप सिक्स मंथ साइलेंटली काम करें और सिक्स मंथ्स के बाद आप शो करें कि आप क्या करने जा रहे हैं आप क्या बनने जा रहे हैं लेकिन उस छः महीने में साइलेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें ठीक है मतलब आपको कोई भी आउटकम के साथ आने के लिए एक फेज में से गुजरना पड़ता है लेकिन वो फेज बड़ा फोकस्ड होना चाहिए तो फोकस्ड होके काम करें और उसकी शेयरिंग तब करें जब आप कंप्लीशन के टाइम पे हो राइट right? तो उस कंप्लीशन की फेज में जाके फिर आप अनाउंस कीजिए कि जी मैं ये कर चुका हूं ये मैं हासिल कर चुका हूं ये नहीं कर चुका हूं सो वन मोर थिंग इज फाइंड ग्रेट मैंटोर्स राइट जैसे अब हमने यहाँ पे भी बात की थी अब हम उस सिचुएशन पे आ चुके हैं ना मतलब बीइंग अ मैंटोर इज़ अ डिफरेंट थिंग लेकिन टू स्टार्ट विद द फील्ड और द प्रोफेशन यू नीड टू हैव अ मेंटोर। अपनी अपनी फील्ड्स में ज़रूर देखें कि आपको क्या लगता है कि जो आप जो आप काम करने जा रहे हैं जो आपकी इंटेंशन है उसमें एक अच्छा मैंटोर ज़रूर ढूंढ लीजिए हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं कॉलेज में पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ तक हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ टीचर्स मौजूद होते हैं बट वैन वी स्टार्ट विद द प्रोफेशन तो तब हमें कोई बाकायदा इस तरह की कोई हमें फैसिलिटेशन नहीं होती है यानी हम किसी के सुपरविजन के साथ काम नहीं कर रहे होते हैं तब हम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हमें मूव करना होता है ना काम करना होता है लेकिन यही वो स्टेज है कि उस स्टेज पे अगर आप एक अच्छा मैंटोर ढूंढ लें अब ये मेन्टोर वो आपका क्लासरूम का टीचर नहीं है इट शुडेंट बी लाइक दैट ज़रूरी नहीं है कि वही हो लेकिन जो उस फील्ड में काम कर रहा है और आपको लगता है कि उसका उस फील्ड में एक्सपीरियंस है वो उस फील्ड में एक सक्सेसफुल पर्सन है और सक्सेसफुल भी इस तरह से है कि वो एक गुड फेम के साथ सक्सेसफुल है हम लोग फील्ड में काम करते हैं ना हमें नज़र आता है बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी होते हैं बट उनकी जो सक्सेस है वो बाकी लोगों के लिए कम्फ़र्टेबल नहीं होती तो आपने जब इस चीज़ को फाइंड करना है तो आपने ये भी देखना है कि जिसको आप समझ रहे हैं कि वो आप इस स्टेज पे है कि वो आपका मेंटोर है तो उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि आप चाहते हैं कि आपके अपने अंदर हों क्योंकि उसने अल्टीमेटली आपको इन्फ्लुएंस करना है आपने उसको उसने आपको उस तरफ लेके जाना है जिस तरफ वो चल रहा है ठीक है तो अपना फाइंड करें वे और जिसको आप मेंटोर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको भी फाइंड आउट करें और फिर आप जो है वो उस काम की तरफ चलेंगे तो आपके लिए आसानी होगी ओके आई एम टॉकिंग अबाउट द वन गोल्डन रूल ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, ये बड़ी फैसिनेटिंग लगती हैं बड़ी दिलचस्प लगती हैं हम हमारा दिल चाहता है कि हम ये करें और हम कर सकें लेकिन इसमें जो गोल्डन रूल है ना वो ये है कि ये सारी बातों को आपने याद रखना है और प्रैक्टिस करना है ऑन एवरी डे बेसिस एवरी डे बेसिस पे जो आप काम करते हैं वो ही आपके लिए पैशन बनता है जैसे अभी हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं उनको ये कहती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी रिसर्च के आजकल बच्चे आ रहे हैं और वो काम करते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ उसको अपने सर पर सवार करो कोई भी जो आपने काम करना है सर पे सवार करने का मतलब ये है कि आपके वो ऑल द टाइम आपके साथ वो चीज़ चल रही हो अब जब हमने पीछे ये भी बात की कि ये एक रास्ता है मंजिल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने रोज ही उसके अंदर कोई ना कोई काम करना है आप आप थक नहीं सकते आप उकता नहीं सकते और वैसे भी ये बात हमें पता है कि अगर कोई भी काम हमें थकाता है और हमें उससे उकताहट महसूस होती है तो उसका मतलब है कि वो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है दैट इज़ नॉट फॉर आर सेल्स राइट ये नहीं काम आप जैसे मैं बाजू का यूनिवर्सिटी में समटाइम्स इंटरेक्शन होता है या कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं मैं तो थक गया हूँ आज पढ़ा पढ़ा के भाई ये जो पढ़ा पढ़ा के थक गया ना इसका मतलब है कि पढ़ाना उसके बस की बात नहीं है थकावट किसी और वजह से हो तो दैट इज़ ओके ठीक है इसका मतलब यह है कि वो आपका इंटरेस्ट नहीं है आप किसी मजबूरी के तहत किसी ज़रूरत के तहत वो काम कर रहे हैं तो जो चीज़ आपके इंटरेस्ट की होगी और जो आपके लिए होगी उससे ना आपको थकावट होती है और ना आप उकताते हैं उकताहट तो बिल्कुल नहीं होती ठीक है तो इसका मतलब ये है कि वो काम आपने करना है और डेली बेसिस पे करना है अब आप उसको कैसे प्लान करें कि आप डेली बेसिस पे कर भी रहे हैं तो वो आपके लिए एक प्लेजेंट सिचुएशन के साथ रहे आपके लिए बर्डन ना बने राइट right? तो उसका मतलब ये कि आपने उसको रोज़ाना कोई डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है उसके लिए कोई डिफरेंट मोड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट उसके लिए आप टाइमिंग्स रख सकते हैं कि आप उस काम को डेली बेसिस पे कंटिन्यू कर सकें आपके साथ साथ वो चलता रहे यानी आपने वो जो सारी भी बातें कर रहे हैं ना ये सारे स्किल्स की डिटर्मिनेशन की सेल्फ ट्रस्ट की डेप्टबिलिटी की तो आप इसको रोज प्रैक्टिस करें रोज अपने साथ इसको लेके चलें इन चीज़ों को ओके कमिंग टू दैट कि अब आप जो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की हम बात कर रहे थे कि अगर आप ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में हैं और ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की नीड्स हैं तो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी का जो लीडर है ये ट्वेंटी फ़र्स्ट सेंचुरी में अपने प्रोफेशन को लीड करने के लिए आपके पास क्या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी जरल बातें तो हम करते हैं ना दोज़ आर जरनल स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स पर्सनल स्किल्स प्रोफेशनल स्किल्स लेकिन आपने जिस ज़माने के साथ चलना है वो कहते हैं ना चलना आपको ज़माने के साथ पड़ता है तो अब ये जो ज़माना आपका चल रहा है आज का दौर जो चल रहा है आपको उसके साथ भी अडेप्टबिलिटी होनी चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसकी नीड्स क्या हैं वो आपको किस तरह से जो है उसके अंदर फिट करना है अपने आप तो ये बड़ी अच्छी एक आ, जो है आ, थ्री फोर स्टेजेस के साथ हैं कि आप कैसे फोर स्टेजेस में अपने इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर काम करते हुए आप एक्सेल कर सकते हैं ये मेरे ख्याल आपके लिए बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें साथ कर देती हूँ आपके पास सॉफ्ट में भी होंगी अच्छा ये जो पहला इसका सर्कल है इकोलॉजिकल सर्कल में ये है लीड सेल्फ वही बात जिसे मैंने बिगनिंग की थी कि सबसे पहला क्या है टू बी अ लीडर और टू बी एट ए लीडिंग पोजिशन और टू डिवेल्प लीडरशिप क्वालिटीज इन योर या आपने किसी को भी लीड करना है ठीक है तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या है आपकी अपनी ज़ात है लीड सेल्फ अब जो सेल्फ है उसके लिए जो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे सामने यहाँ नजर आ रही हैं उसमें सबसे पहली है स्ट्रेंथ बेस्ड लीडरशिप और स्ट्रेंथ क्या है वही सारी बातें जो हमने भी सब की हैं कि आपके अपने अंदर वो सारे स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए वो सारी स्किल्स वो सारी क्वालिटीज़ वो सारी डिटर्मिनेशंस, वो सारी पैशन फॉर दैट फील्ड अगर आपके अंदर वो चीज़ें हैं तो आप फिर एक लीडरशिप के लिए रोल के लिए तैयार हैं उसके लिए आप काम कर सकते हैं देन रिजिलियंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस ये नीड टू बी इंटेलक्चुअल लाइक हैविंग अ गुड आई क्यू इज़ नॉट एनफ बट यू नीड टू बी इमोशनल इंटेलिजेंट एज़ वेल और आपको पता है ना कि जब जो अब हमारा ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी का दौर है सोशल मीडिया का दौर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा जो है ना वो फोकस किया जा रहा है उसकी वजह यह कि आपके हंगामे के और अनसर्टेनिटी के इस दौर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपके सिर्फ आपकी अपनी इफेक्ट नहीं हो रही होती है बल्कि आपके इर्द गिर्द के भी जब लोग इफेक्ट हो रहे होते हैं यू सी इन्फ्लेशन यू सी सम टेररिज्म ऑल दैट ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आपके ऊपर इफेक्ट करती हैं ठीक है अब वो सारी स्टेट के अंदर आपने अपने आप को साउंड कैसे रखना है यानी वो कहते हैं ना तूफान तो गुजरते हैं तो गुजरते रहें आपको खड़े रहना है आपको स्ट्रेंथन रहना है ठीक है फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं आपकी सोसाइटी जिस सोसाइटी में आप मूव कर रहे हैं उस सोसाइटी के इश्यूज हैं जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं उस कम्युनिटी के मसाइल हो सकते हैं ठीक है लेकिन आपने उन सब चीज़ों को किस तरह से इंटेलिजेंटली फ़ेस करना है क्योंकि जो भी आपके सोशल इंटरेक्शन है ना दैट आर रिलेटेड टू योर इमोशनल इंटेलिजेंस वो आपके सब इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ रिलेट करते हैं तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना भी अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को फोकस करना उसके ऊपर काम करना भी जरूरी है और तीसरी चीज़ है टेक्स एवनेस टेक्स एवनेस का मतलब ये है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ जितना इक्विप्ड होंगे जितना टेक्नोलॉजी के साथ अटैच होंगे जितना टेक्नोलॉजी के साथ आपकी अडेप्टबिलिटी होगी उतने आप सक्सेसफुल लीडर हो सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ क्यों भाई टेक्नोलॉजी के साथ इसलिए कि अब आपने अपनी फॉर एग्जाम्पल आप अपनी प्रोफेशनल में लीड करना चाह रहे हैं तो आप अपनी एक कम्यूनिटी में रहते हुए अपने मुल्क में रहते हुए ख़ास जगह पर रहते हुए आप लीड नहीं कर सकते यू नीड टू नो ग्लोबल सिचुएशंस यू नीड टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल रिसर्च आप देखेंगे एक वक्त था कि ये जो छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज़ आप लोग यहाँ बैठे अब कर लेते हैं वो लोगों को एक छोटे छोटे सर्टिफिकेट के लिए बाहर जाना पड़ता था एंड देयर मैनी पीपल हेयर जिनको हम यहाँ देखते हैं और वो आ कहते हैं कि हम बाहर से फलां काम करके आए हैं बाहर से पढ़ के आए हैं अब वो एक छोटे से सर्टिफिकेट के लिए बाहर से लेके आते हैं और हम समझते हैं कि उनको बहुत बड़ा उन्होंने कारनामा किया हुआ है ऐसा नहीं होता है लेकिन आप वही इन्फॉर्मेशन वही नॉलेज यहाँ बैठ के वो ले रहे हैं वो सर्टिफिकेशनस कर रहे हैं तो इट मीन्स कि अगर आपका वो टेक्नोलॉजी के साथ अटैचमेंट ना हो तो आप नहीं कर सकते राइट right? अच्छा एक और पॉइंट जो कि मैं मेरे ख्याल इसमें मिसिंग है लेकिन आई रियली वॉन्टेड टू एड इन टू एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको हमेशा याद रखना है लर्निंग और लीडिंग का जो है ना रिलेशनशिप टू लीड यू नीड टू लर्न कॉन्टीन्यूस लर्निंग इफ यू वॉन्ट टू लीड द प्रोफेशन यू नीड अ कॉन्टीन्यूस लर्निंग प्रोसेस यानी जैसे अभी मैं बात करी थी कि हम अगर ये समझते हैं कि हमने एक हाइस्ट डिग्री ले ली है और हम एक अच्छी पोस्ट या एक अच्छी पोजीशन पे हम पहुंच गए और हमने कोई सक्सेस हासिल कर ली लेकिन अगर आपने फील्ड को कंटिन्यूसली लीड करना है हमने कितने ही लोग ऐसे देखे हैं अपने प्रोफेशन में कितने ही ऐसे उस्ताद होते हैं कितने ही ऐसे इंजीनियर्स होते हैं कितने ही ऐसे डॉक्टर्स होते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि एक टाइम में बहुत ज़्यादा हाइप पे होते हैं ठीक है लीड कर रहे होते हैं लेकिन क्या होता है वो अपने उसी नॉलेज के साथ लिमिटेड हो जाते हैं अब जितना क्विक और रैपिड चेंजेस टेक्नोलॉजी में मेडिसिन में ह्यूमन साइकोलॉजी में ह्यूमन साइंसिस में सोशल साइंसिस में आ रही हैं अगर आप उन चीज़ों के साथ अटैच नहीं होते हैं और कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस में नहीं होते हैं तो आपका नॉलेज एक ख़ास लेवल पे आ रुक जाता है और आपके उसको क्रॉस करने के लिए पीछे से कोई बंदा आता है जो कि अपडेटेड नॉलेज के साथ होता है और वो आपसे आगे निकल जाता है सो इट मीन्स कि ये चीज़ के द लर्निंग लीडिंग प्रोसेस यू नीड लर्निंग दिस इज़ वेरी important. ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप समझें कि जी हमने डिग्री मुकमल कर ली है तो वी हैव ऑल द नॉलेज ऑफ द फील्ड इट्स नॉट लाइक दैट ठीक है मतलब आपको अपनी फील्ड को लीड करने के लिए उसमें काम करने के लिए आपको मुसलसिल लर्निंग के फेज में रहना चाहिए यानी अब जैसे हम जैसे लोग हैं फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ आई डिड माई मास्टर्स लाइक एटीन ईयर्स बिफोर ठीक है अब like मैं अगर उसी नॉलेज के साथ होती तो आई एम अनएबल मैं आज यहाँ इस मुकाम पे ना होती कि मैं आप लोगों को चीजें बता रही होती मैं भी उसी पथेटिक नॉलेज के साथ होती जो कि 18 साल पहले मैंने पढ़ा था तो मैंने उस सारे प्रोसेस को कंटिन्यू रखा है देन आई एम एबल टू डील विद यू पीपल यानी आज आप लोग जो मेरे उस मास्टर्स के एक आप समझ लेंगे नेक्स्ट जनरेशन ही बन जाती है ना ठीक है 20 इयर्स के बाद एक नेक्स्ट जनरेशन ही होती है तो अब आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जिस स्पीड के साथ आप लोग चल रहे हैं जो नॉलेज आज आपको चाहिए है, मैं अगर वो नॉलेज साथ ना ले रही हूँ तो आई एम अनएबल टू टीच यू मैंने क्या आपको वो पिछले 20 साल पहले का पढ़ा हुआ पढ़ाना था 20 साल पहले तो बातें ही और थी नॉलेज ही और था इन्फॉर्मेशन ही और थी सो इट मीन्स कि अगर आप अपनी फील्ड को प्रसू करने जा रहे हैं और अपने प्रोफेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको अपनी स्टडीज़ को यहाँ मुकम्मल करके ये नहीं समझना चाहिए कि आई एम डन विद इट यू नीड टू नो यू नीड टू लर्न कॉन्टिन्यूसली ताकि आप अपनी आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के साथ नेक्स्ट लोगों को जो आप बात करें लीड करने की इन्फ्लुएंस करने की यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस और लीड पीपल वेन यू आर लर्निंग विथ योर सेल्फ राइट ओके अब हम जब सेल्फ से निकलते हैं तो देन लीड अदर्स यानी सबसे पहली है सेल्फ लीड सेल्फ लीड का मतलब ये कि सबसे पहले तो अपने आप को लीड करें ना अपने आप को गाइड करें अपने आप को डायरेक्शन दें कि आपने किस तरफ़ जाना है आपके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए पहले आप अपने आप को लीड करते हैं देन यू बिकम एबल टू लीड अदर्स राइट सो सेल्फ लीड के लिए हमने क्या तीन चीज़ें बात की अगर हम कट शॉर्ट करें कि वी नीड टू स्ट्रेंथ बेस्ड लर्निंग्स वी नीड टू बी इमोशनल इंटेलिजेंट एज वेल एंड वी नीड टू बी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली राइट right? अगर हम अपने आप को इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेज आती है कि हम दूसरों को लीड कर सकें और दूसरों को लीड करने के लिए जो वन ऑफ द क्वालिटीज़ कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग यानी आप कम्युनिकेट करने के काबिल हूँ और इन्फ्लुएंस करने के काबिल हूँ ठीक है कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंसिंग दोनों का बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है राइट गुड कम्युनिकेशन कैन इन्फ्लुएंस अदर्स बट अगेन दिस इज़ नॉट अ फिक्स रूल राइट right? या आप ये कह लीजिए कम्युनिकेशन डजेंट मीन ओनली द वर्बल कम्युनिकेशन राइट क्योंकि हमने बात की कि आप एक अच्छी किताब लिख के एक अच्छा कॉलम लिख के एक अच्छी तहरीर करके भी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अब फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर्स राइट रिसर्चर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं मैं यहाँ रिसर्च करती हूँ मेरी रिसर्च को कोट करता है कोई अदर पर्सन किसी सात समंदर पार से बैठा हुआ राइट right? इसी तरह से सात समंदर पार कहीं कोई रिसर्च हो रही है मैं उसको यहाँ पे कोट कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि उसकी राइटिंग्स ने हमें इन्फ्लुएंस किया है तो दैट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन यू नो ठीक है यानी कम्युनिकेशन का सिर्फ एक मोड नहीं है ना ये तो आपको पता है ना तो कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंसिंग जो है दैट इज अ रीजन टू लीड अदर्स देन फीडबैक एंड फीडबैक एंड प्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट फीडबैक का मतलब क्या है यानी आपके पास कोई आया है और वो आपसे पूछता है कि जी मैं इसका क्या करूं? अब मैं बहुत सेल्फिश होकर उसको रिस्पॉन्ड कर रही और मैंने उसको कोई गलत मशवरा दे दिया इफ दैट पर्सन विल कम अगेन टू मी ना वो मतलब वो कहेगा नहीं ये तो इसने इस तरह से बात इसका मतलब ये कि आपका जो फीडबैक है जो आप गुफ्तु करते हैं किसी के साथ जो आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं जो आपका रिलेशनशिप है विद अदर्स दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं फिर इसमें देखिए कि प्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट प्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि आप जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रखने हैं प्रोफेशनली वो प्रोडक्टिव होने चाहिए यूजलेस नहीं होने चाहिए जैसे हमारे यहाँ हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किन बेसिस पे होते हैं अजीबो हो गरीब सेल्फ ठीक है मतलब आ, मुझे ये इसलिए पसंद नहीं है कि ये मेरे से अच्छी तरह से सलाम दुआ नहीं करता है ये इसको ये पोजीशन मिल गई है इसको ये रोल मिल गया है इसको ये कमरा मिल गया है इसको सैलरी अच्छी मिल गई है ठीक है इस तरह की चीज़ों पे हम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं डोंट गो फॉर दैट कॉन्फ्लिक्ट्स गो फॉर प्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे कि आप किसी डिस्कशन पे बात करें यानी आप डिस्कशन करें कि आज आपकी जो ये कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए और आप उस पर समझें कि ये ये चीज़ जो है ये इस तरह होनी चाहिए और आपका कोलीग जो है वो आपसे ये आर्गमेंट करे कि नहीं दिस इज़ द बेस्ट वे और फिर आप उस पर कोई कॉन्फ्लिक्ट करेंगे नहीं मेरी राय ये है दैट इज़ ओके राइट लेकिन फजूल किस्म के आर्गूमेंट्स में जाकर कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट करना दैट इज़ नॉट ओके ओके लीडिंग रिमोट टीम्स लीडिंग रिमोट टीम्स का मतलब ये है कि जैसे अब हम आ, बात करते हैं कि हम ऑफिस में बैठे हुए हैं और हम समझते हैं कि ऑफिस में जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है या ऑफिस का जो माहौल है उसमें आप लोगों पे कैसे इन्फ्लुंस करें दिस इज़ नॉट ओनली द वे इन ट्वेंटी सेंचुरी अब यहाँ पे क्या हो रहा है हम एक रिसर्च कलेबोरेशन बनाते हैं हम एक टीम्स बनाते हैं राइट right? अब फॉर एग्जांपल मेरी एक रिसर्च कलेबोरेशन है आई एम मेंबर ऑफ सो मैनी डिफरेंट जो हमारी ये बनी हुई होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई होती हैं ठीक है थीक? अब उसमें क्या है उसमें हम टीम किस तरह काम कर रहे हैं रिमोटली काम कर रहे हैं ऑनलाइन ठीक है रिमोट का मतलब ये है कि आप Uh, it could be online it could be other way but the remote is this that the person is not here or the team is not here wo kahin bhi baithi ho sakti hai aur aap unke sath collaboration mein kaam kar rahe ho and this is very successful and this is the need of the time now right? यानी आप लोग कहीं भी बैठ के आप किसी भी एक अदारा जैसे आप इवन के आप लोग कहते हैं कि हमने इंटर्नशिप्स करनी है तो आप इंटर्नशिप्स भी ऑनलाइन कर सकते हैं ठीक है सो दे आर सो मनी थिंग्स आर सो मनी वेज़ तो आपने जो इन्फ्लुएंस करना है वो सिर्फ अपने करीब लोगों को नहीं करना बल्कि रिमोट जो आपके साथ टीम्स हैं उनको भी इंगेज करना है ओके वैन यू आर एबल टू लीड योर सेल्फ एंड देन टू लीड अदर्स देन यू लीड टू द चेंज राइट फिर चेंज की बात आती है और चेंज क्या है चेंज किन चीज़ों से आता है अडेप्टबिलिटी ठीक है जो भी सक्सेसफुल uh, प्रैक्टिसज हैं या आप कह लीजिए बेसिक स्किल्स हैं इस टाइम ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की उसमें अडेप्टबिलिटी इज़ द टॉप प्रायोरिटी अडेप्टबिलिटी का मतलब ये है कि क्यों हम कहते हैं ना रैपिड चेंजेस आ रही हैं ठीक है रैपिड चेंजेस टेक्नोलॉजी में भी आ रही हैं रैपिड चेंजेस इन्वायरमेंटल सिचुएशंस की वजह से भी आ रही हैं कई एक चीज़ें हैं तो जो उनके साथ क्विकली अडेप्ट कर लेता है जो उनके साथ क्विकली एडजस्ट हो जाता है वो सक्सेसफुल हो जाता है एक्सेप्टेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है यानी आप ये कहें नहीं मुझे तो आपने छः महीने पहले ये प्लान दिया था कि आपने इस पर काम करना है और ऐसे ही होगा आ, तो ये मैं मैं तो इस पर चेंज के शिफ्ट करूँगा तो ये मिसाइल आएंगे ये आएंगे ये आएंगे कंपनी विल थ्रू आउट थ्रो यू आउट वो आपको बाहर फेंगे क्योंकि हमें यह बंदा नहीं चाहिए हम क्या करें कुछ चीजें ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती हैं कुछ हमारे माहौल की होती हैं कुछ ऐसी चेंजेस हो सकती हैं फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोविड की वजह से बहुत सारी चेंजेस आई अब जिन लोगों ने क्विकली उसको अडेप्ट कर लिया वो सक्सेसफुल टीचर्स भी हो गए वो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हो गए वो सक्सेसफुल लीडर्स भी हो गए उन कंट्रीज़ ने बेहतर काम कर लिया जिन्होंने नहीं किया वो अभी तक लेके बैठे हुए हैं और सिमिलरली आप इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं कि आपने आज एक प्लान बनाया आपको लगता है कि आप छः महीने का आपने प्लान किया था वो उस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है तो वट्स द अदर बेस्ट वे आप और किस तरह से कर सकते हैं आप उसके लिए एक चेंज सिचुएशन के अंदर जाने के लिए तैयार हो देन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आपने सुना है ठीक है अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है जब हम अनसर्टेनिटीज़ की बात कर रहे हैं जब हम रैपिड चेंजेस की बात करें तो इट मीन्स कि जो प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आती हैं वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स हैं अब आप प्रॉब्लम्स देख लीजिए कि आपके पास जो पहले केसेज आते थे बींग साइकोलॉजिस्ट या बींग थेरापिस्ट तो वो उनकी नो़ीत कुछ डिफरेंट होती थी अब आपके पास जो केसेस आते हैं आप मतलब फैमिली केसेस ले लीजिए उसके अंदर इतने कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं यानी उसके अंदर वो पता नहीं कोई सोशल मीडिया भी घुस आता है कोई जो है वो इंटर रिलेशनशिप्स भी आ जाते हैं बहुत अजीब वरीब किस्म की सिचुएशन आ जाती हैं ठीक है थीके? तो इसका मतलब ये है कि आपको वो जो माहौल और वक्त के साथ सारे प्रॉब्लम्स की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती जाती है तो आपको भी काबिल होना चाहिए कि आप वो जो कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशंस आपके सामने आती हैं आप उनको भी डील करने के काबिल हो लीडिंग आ, 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 सॉरी एगिलिटी एंड चेंज मैनेजमेंट ठीक है चेंज मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आप क्विकली अपनी चीज़ों के साथ एडजस्ट uh, कर सकें देन फोरसाइड करेज एंड एम्ब्रेस टेक्नोजी इज लीड द फ्यूचर यानी अगर आप फ्यूचर को लीड करना चाहते हैं जैसे मैंने आपको बात कही कि जब मैंने मतलब कोई भी इंसान मैं हूँ या कोई भी है जिसने आज से पंद्रह बीस साल पहले पढ़ा और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं आने वाले वक्तों में लीड करना है मुझे ठीक है फ्यूचर में लीड करना है क्योंकि इट्स अ प्रोसेस अगर आप कहेंगे आज तो मैं लीड कर लूँ और अगले आने वाले सालों में मैं ऐसे ही लीड करता रहूँगा तो इट्स नॉट पॉसिबल सो यू नीड सम स्किल्स यू नीड समे सम नॉलेज ठीक है जो कि आप उसको लेके चल सकें तो दैट इज़ फोर्थ साइड फोर्थ साइड का मतलब ये है कि आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए जिसको हम आमतौर पर विजन भी कहते हैं ठीक है दूर अंदेशी जिसको कहते हैं ठीक है फोर्थ साइड का मतलब ये कि आप इस काबिल हो कि आप अंदाज़ा लगा लें कि अगले पाँच सालों में क्या होने जा रहा है फील्ड में फील्ड को किस चीज़ की जरूरत है ऐसा कौन सा काम है जिसको आप टारगेट करेंगे तो वो आपको लीड करेगा इस टाइम करंट सिचुएशन क्या है आपके क्या काम होने जा रहे हैं इस तरह के और फ्यूचर में किस तरह के लोगों की जरूरत होगी और फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको अगर आप जांच लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप डायरेक्शन अपनी उस तरफ लेके चले जाते हैं और आपके लिए आसानी हो जाती दूसरी चीज है करेज देखिए कैसी बात है करेज किस काम के लिए चाहिए होती है बहुत सारे कामों के लिए करेज चाहिए होती है ठीक है और करेज बहुत सारी चीज़ों का हाल भी है जैसे अभी यहाँ पर कोई कह रहा था खौफ डरना कि हमें क्या आउटकम्स आएंगे और क्या नहीं होगा क्योंकि रैपिड चेंजेस की हमने बात की रैपिड चेंजेस का मतलब ये है कि आपको अनसर्टेनिटी आपको नहीं पता क्या होने जा रहा है तो आपको अपने हौसले जो हैं वो बुलंद रखने होंगे कर्जे सो हो के करना पड़ेगा चीज़ों को डील करना पड़ेगा लेकिन ये तो फर्स्ट पॉइंट भी हमें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होना चाहिए चाहिए इस चीज़ के हम लोग इनिशिएटिव हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं लेकिन ना ये तो डिफरेंट की अपनी अपनी थेरीज हैं ठीक है लेकिन वो ये बात करें कि फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर में आप बुजदिल बंदे का काम का कोई नहीं है ठीक है यानी आप डर डर के नहीं रह सकते वो ये तो अब बड़ी कॉमन सी बात है ना हमारी सोसाइटीज में रहने के लिए यानी यू नीड टू बी करजियस अब करजियस होने का डर डर के ना रहने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप बदतमीज हो जाए ठीक है या आप जो है वो इस तरह के कोई वो दंगा फसाद या बदमाशी शुरू कर दें इट डजेंट मीन लाइक दैट इट मीन्स दैट इफ़ यू आर फेसिंग अ सिचुएशन तो उस सिचुएशन को आपको डील करने की अंडरस्टैंडिंग हो उस सिचुएशन में आपको स्ट्रैटेजिकली उसको सॉल्व करने की आपके अंदर स्ट्रेंथ हो और फिर अगर आपको कोई लॉस भी हो गया है तो यू हैव द एबिलिटी टू कंटिन्यू विद दैट राइट ये होती है करेज देन एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी अगेन कि टेक्नोलॉजी के साथ जो है ना वो कोई बहुत अच्छी सी दोस्ती कर लें को बहुत अच्छी सी फ्रेंडशिप कर लें टेक्नोलॉजी को अब आप नहीं छोड़ सकते फ्यूचर इज़ टेक्नोलॉजी ठीक है तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एट दिस टाइम आपके अंदर डेवलप करनी है आपने एंड इफ़ यू रियली वांट टू लीड विद योर प्रोफेशन आप अपने प्रोफेशन को लीड करना चाहते हैं आप अपने प्रोफेशन के साथ में अपना एक नाम बनाना चाहते हैं ठीक है दे आर सो मैनी पीपल आपके प्रोफेशन में कितने लोग होंगे जो कि ज्वाइन करें कितने स्टूडेंट्स हैं हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो हर साल ग्रेजुएट करते हैं बट वाई फ्यू ऑफ दैम कम लोग ही क्यों लेकिन हम तो ये समझते हैं कि जैसे आपके जो चंद लोग यहाँ एक ग्रुप बैठा हुआ है हम तो ये समझते हैं कि एवरी वन ऑफ यू हैव दैट एबिलिटी बिकॉज इट्स योर ओन चॉइस आपने इसको चूज़ किया है ठीक है मतलब एक तो अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया इस काम के लिए नो डाउट वी शुड भी थैंकफुल टू दैट बट यू ऑल्सो चूज़ इट राइट और अभी तो आपके पास अब आप मौका है क्योंकि अब आगे जो आप करने जा रहे हैं उसमें आपकी अपनी चॉइस बहुत ज़्यादा होने वाली है कि आपने अब अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद क्या करना है एक और चीज़ मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि आम तौर पे हमारे स्टूडेंट्स आजकल जो हम ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जब भी ग्रेजुएशन मुकम्मल होती है और हम अपने स्टूडेंट्स से पूछने जाते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं इसके बाद तो फ़ौर से जवाब आता है एम एस और एम तो ये याद रखें कि एम एस और एम फिल जो हैं ये एडवांस डिग्रीज हैं दिस इज दिस डिग्री इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर योर जॉब और नॉट अ ग्रंटी फॉर योर जॉब फॉर जॉब और टू स्टार्ट विद योर प्रोफेशनल करियर यू नीड अ मास्टर्स और ग्रेजुएट डिग्री दीज डिग्रीज आर द एडवांस डिग्रीज वो अगर आपको कभी जिंदगी में मौका मिले तो आप जरूर करें पढ़ें लेकिन आपको एटलीस्ट इस डिग्री को लेने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड बाय योरसेल्फ यू मस्ट बी एबल टू अर्न यू मस्ट बी एबल टू सपोर्ट योर फैमिली और योरसेल्फ सेल्फ एटलीस्ट यानी आपको अपना प्रोफेशनल करियर जिसको आप कहते हैं ना वो आपको इस डिग्री के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए और हम यही देखते हैं अब फील्ड में हम हैं तो हम यही देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स जो बच्चे अपना करियर इस डिग्री के बाद स्टार्ट कर लेते हैं दे आर सक्सेसफुल इन द फील्ड और जो नहीं कर पाते हैं, हमने ऐसे भी देखे हैं आपके सामने ही है हमें ये रोज़ सुनने को मिलता है कि जी पी भी जो हैं फारिग कर रहे हैं भाई जी अच्छा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं अभी ये पीएचडी के इंटरव्यूज चल रहे थे हमारी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एच के लिए ठीक है जो एंट्रेंस एंट्री टेस्ट एंट्री इंटरव्यू होता फॉर देट आई आस्ट वन ऑफ द कैंडिडेट कि आप ये डिग्री क्यों लेना चाह रही हैं की डिग्री क्यों करना चाह रही हैं उनका जवाब था फॉर माई ओन पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पे खुदा की बंदी ग्रेजुएशन करके तुम्हारी पर्सनल डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं हुई एम फिल करके तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुई अब पीएचडी करके तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी तो मसला ये कि हमारे स्टूडेंट्स को हमारे जो लोग हैं विद ब्लाइंड फॉलोअर्स ना कि अब ये ट्रेंड चल रहा है जी बस एम फिल कर लो पी एच डी कर लो नहीं हमें ये सोचना है कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसका पर्पज क्या है देखिए आपकी पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनल ग्रूमिंग के लिए आपकी स्कूल की एजुकेशन इज इनफ बेसिक बेसिक की मैं बात करी नो no डाउट आपकी पर्सनल डेवलपमेंट सारी जिंदगी हमारी जारी रहती है ठीक है वो उसमें ऐड करती जाती है बट द बेसिक्स यू लर्न फ्रॉम योर स्कूल फॉर योर प्रोफेशनल करियर वैन यू आर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन डिग्री यू आर डन विद डैट वी सपोज कि आपकी जो प्रोफेशनल करियर की जो आगाज़ था या उसके लिए जो बेसिक्स थी वो आपको ग्रेजुएशन के बाद मिल जाती हैं और ज़ाहिर है जो रही सही आपकी कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट या डोमेन की जो आपकी थोड़ी बहुत रह जाती है वो भी उसके साथ मुकम्मल हो जाती है बट वैन यू आर टॉकिंग अबाउट द एडवास्ड डिग्रीज़ लाइक एम एस एम फिन और पी एच डी इट मीन्स दैट डिग्री इज़ नॉट फॉर योर सेल्फ वो डिग्री आपकी सोसाइटी के लिए वो डिग्री इन्फ्लुएंस करने के लिए वो डिग्री दूसरों के लिए यानी आप कैसे अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं आप कैसे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप कैसे अपने जो उस उस फील्ड की जो कंट्रीब्यूशन है वो आप कैसे कर सकते हैं उस फील्ड में क्या आप बॉडी ऑफ नॉलेज ऐड कर सकते हैं इन डिग्रीज का मकसद ये है तो ये चीजें भी आपको बहुत जहन में क्लियर होनी चाहिए तो आप आप इस इस टाइम पे आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आप अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर दें बायू कैन लुक यू गो फॉर दैट लुक फॉर दैट ठीक है नो डाउट आप अपने साथ हायर स्टडीज को भी जारी रखें ठीक है थीके? हमारे यहां हायर एजुकेशन हायर स्टडीज हम समझते हैं जब हम एम फिल पी एच ई नो द ग्रेजुएशन लेवल इज हायर एजुकेशन राइट लेकिन मसला यह है कि हमने हायर एजुकेशन को उस तरह से फोकस ही नहीं किया क्योंकि हम वो करने के बाद भी हम नाकाम रहते हैं तो हम समझते हैं कि दिस इज नॉट हायर एजुकेशन सो व्हेन यू आर डन विद योर दीज डिग्रीज यू मस्ट गो फॉर योर प्रोफेशनल करियर आपको अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करने एनी क्वेश्चन अबाउट टूडे or any discussion.